एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेल, मैं साक्षी। आज हम लोग क्लास सिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 3 इन द ओल्डेस्ट सिटीज़ का डिस्कस करेंगे। मैंने हाफ चैप्टर इसको डिस्कस कर दिया। इसमें हम लोगों ने स्टोरी ऑफ हड़प्पा का पढ़ा कि कैसे स्टार्ट हुआ था वो 4700 ईयर्स आगो, और इसमें इंडिया में मीन्स जो अभी पाकिस्तान का जो एरिया ये है पंजाब के साइड में, इंडिया इस उस टाइम पे सबसे पहले 150 ईयर्स अगो ये रेलवे लाइन स्टार्ट हुआ था। फिर हम लोगों ये ने देखा कि मीन्स कि इस एरिया को कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। देन उस टाइम के जो ग्रेट बाथ हम लोगों ने देखी कि कितनी अच्छे से वेल डेवलप था ग्रेट बाथ, हर एक चीज़ कैसे मीन्स वहाँ पे वाटर सप्लाई कैसे होता था, कैसे वॉल बने हुए होते थे उस टाइम पे। फिर हम लोगों ने वहाँ की बिल्डिंग्स का देखा कि कैसे ये इंटरलॉकिंग सिस्टम्स में ईंट वगैरह लगा हुआ था, कितना मीन्स डेवलप्ड हो गया था उस टाइम का। फिर हम लोगों ने यह देखा कि ड्रेनेज जो था उस टाइम के ड्रेनेज जो थे कि कैसे पूरे एकदम स्ट्रेट लाइन में बने थे, वेल्स जो थे वो कैसे थे। फिर ये टेराकोटा टॉयज जो था कि जब वहाँ के बच्चे कैसे ये इसको खेलते थे, शेल्स जो थे वहाँ पे एनिमल्स के फिगर हुए लगे हुए होते थे, ये हम लोगों ने देखा। देन अब हम लोग नेक्स्ट टाइम ये पढ़ेंगे। इन द सिटी लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन शेल्स एंड मेटल इंक्लूडिंग ब्रॉन्ज, कॉपर ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। मीन्स कि हम लोग ये देखते हैं कि कुछ बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हड़प्पन सिटीज़ में फाउंड किए गए, उसमें स्पेशली जो आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड किया तो जो सेल्स थे, मेटल्स थे, जैसे कि कॉपर हो गए, ब्रॉन्ज हो गए, गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए। सो कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट एंड वेसल्स। जो कॉपर एंड ब्रॉन्ज जो थे वो स्पेशली यूज किए जाते थे मीन्स टूल्स बनाने में, वेपन्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, बर्तन वगैरह बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, ये सारे में सिर्फ कॉपर ब्रॉन्ज को यूज़ किया जाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल। गोल्ड और सिल्वर भी कभी कभी क्या होते थे कि मीन्स ऑर्नामेंट बर्तन बनाने के लिए या कोई ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे। बट हैव द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड आर डोज ऑफ विड्स वीट एंड ब्लेड्स। उसमें क्या होता था कि उस टाइम पे कुछ ये बिट्स हो गए, जैसे कि ये हो गया ना कि माला वगैरह में बनाने के लिए बिट्स बनते थे, वेटीज ब्लेड्स भी फाइंड किए गए। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मीन्स कैसे सम यहाँ पे कुछ वेटेज हैं, ये वेटेज थे। तो ये वेटेज कैसे बने होते थे मीन्स ये वेट के शेप में, जैसे कि हम लोग इस समय वेट किसी भार को नापने के लिए होता था ना कि वेट बनते थे, ऐसे ही उस टाइम पे भी वेट बनाए जाते थे कि कोई भी चीज़, ये स्टोन के होते थे या मेटल के होते थे कि कोई भी चीज़ का वेट करना हो तो ये वेटेज ऐसे बने हुए होते थे। देन यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे कैसे बिट्स बने हुए हैं, यहाँ ये सारी यही जो है बिट्स के बने हुए माला वगैरह बनते थे, कुछ ब्लेड्स हैं ऐसे ब्लेड्स होते थे बने हुए होते थे। फिर आप यहाँ पे देखिए एम्ब्रॉयड्री, यहाँ पे क्या दिया है मीन्स की बॉट इन द एम्ब्रॉयड्री क्लॉथ अ स्टोन स्टैचू एन इम्पोर्टेड मैन फाउंड फॉर द मोहनजोदड़ो सो इन द वियरिंग एन एम्ब्रॉयड्री गारमेंट्स। मीन्स कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये एम्ब्रॉयड्री का वर्क इनके गारमेंट पे किया गया है। मीन्स ये हम लोग इसी मीन्स हम लोग ये पता ये सोच सकते हैं कि उस टाइम पे कितना एडवांस थे, कितने ज़्यादा फैशनेबल थे, फैशन का उन लोगों के पास सेंस कितना था। ठीक, सो द हड़प्पन ऑल्सो मेड सेल्स आउट ऑफ स्टोन, दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड यूजली हैव अ एनिमल कवर ऑफ दम। मीन्स कि उस टाइम पे क्या था कि मीन्स वो इस वेली जो सिल्स बने हुए होते, जो थप्पे वगैरह लगाने के लिए स्टोन्स के बने होते थे और रेक्टेंगुलर शेप में होते थे वो आप लोग अभी आप पेज नंबर 27 पे आप लोग देखा होगा। और उस पर क्या होता था कि मीन्स कि एनिमल्स के ये बने हुए थे, पिक्चर्स बने हुए थे होते थे, लाइक मीन्स कि हम लोगों ने यहाँ देखा है ना कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एनिमल्स के पिक्चर सिल्स वगैरह ऐसे बने हुए होते थे। ओके, द हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटिफुल ब्लैक डिज़ाइन सच एस वन शोन। मीन्स कि वो लोग उस टाइम पे पॉट वगैरह भी बनाते थे जिसपे बहुत अच्छे से डिज़ाइन भी हुआ करते थे। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन
एथ में हरगर फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो. एक्चुअल पीसेस ऑफ द कॉटन पर फाउंड अटैच टू द लीड ऑफ द सिल्वर बेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट द मोहनजोदारो. आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फैंस. दिस वर यूज टू स्पिन थ्रेड. मीन्स क्या होता था कि उस टाइम पे मीन्स ये कहा गया है कि मीन्स की कॉटन जो क्लॉथ होता है मेहरगढ़ के टाइम के पास ये फाइंड किया गया है कि 7000 ईयर को ये देखा गया कि ऐसे कि कोई भी कॉपर या किसी चीज़ का कोई मेटल का जो बेस होते थे मीन्स ये कोई मटका घड़ा हो गया तो उसमें जो ऊपर यहाँ पे जो ढक्कन जो लगा होता था जो इस बंधा हुआ होता था तो वहाँ पे फाइंड किया गया कि ये इसमें कुछ रेसे वगैरह जो थे कॉटन के मिले. मीन्स कि ये इसे हम लोग सोच सकते हैं कि उस टाइम पे कि कॉटन डिस्कवर हो गया था जिसको जिसके कपड़े को लोग कोई भी सामान रखने के लिए ऊपर से कवर के तौर पे उसको यूज करते थे. और फिर मीन्स कि ये आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड किया कि स्पिंडल होल्स मीन्स कि कुछ स्पेंडल्स भी फाइंड किए गए जैसे कि मीन्स स्पेंडल होल्स में. इससे ये पता चला कि मीन्स कि वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का भी वर्क होता है. फैंस क्या है मैंने ये देखते हैं. अनलाइक स्टोन और सोल दैट आर फाउंड नेचुरली मीन्स कि जैसे कि ये स्टोन हो गया सेल हो गया वो तो हम लोग को नेचुरली फाइंड हो जाता है. फैंस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस. जो फैंस जो है वो आर्टिफिशियली मीन्स हम लोग बनाते हैं उसको उस समय बनाया जाता था. अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्टर इन टू एन ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट वर द ग्लेज रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लेज़ी सरफेस. द कलर एंड द ऑफ द ग्लेस फॉर यूजली ब्लू और सी ग्रे. जो फैंस का जो ये होता था मीन्स कि फैंस जो बना हुआ होता था वो ग्लू मीन्स गम का एक गोंद होता था उसमें कुछ ये सेंड को रखा जाता था सेंड के पाउडर को. उसके बाद से उसको ऐसे शेप में मीन्स कि जो जैसा शेप चाहे वैसे शेप दिया जाता था और उस पर बहुत सारे कलर मीन्स कि कलर किया जाता था स्पेशली ब्लू और ग्रीन में कलर करके उसको यूज किया जाता था बनाने के लिए बीड्स बनाने के लिए बेंगल्स बनाने के लिए या इयर रिंग या चीनी वेसल्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है फैंस का. ओके मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट. द स्पेशलिस्ट इज द पर्सन हु इज ट्रेंड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क. फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन पॉलिशिंग बीड्स और द कार्विंग शेल्स. मीन्स ये सारे जो वर्क होंगे मे बी ये होता होगा कि बहुत ही जो स्पेशलिस्ट होते होंगे वही ये काम करते होंगे क्योंकि इतने अच्छे अच्छे स्टोन ये ज्वेलरी बनाना या कुछ भी तो अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट होते होंगे तो उनको ट्रेन किया जाता होगा किसी एक काम में. जैसे कि कोई कटिंग करता होगा स्टोन की कटिंग करता होगा कोई पॉलिश करता होगा बीड्स की कोई शील्स की कार्विंग करता होगा ये सारे मीन्स कोई स्पेशलिस्ट ही होगा वो करता होगा. लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर एंड सी हाउ वेल द फेस ऑफ कवर्ड एंड द हाउ केयरफुली द बीड इज शोन. दिस मस्ट हैव बीन द वर्क एंड एक्सपर्ट क्राफ्ट. हाँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये बीड देख सकते हैं कितने अच्छे से मीन्स कि इसके इस मेन का बीड देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सेट किया गया है. इनकी एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है हुआ है क्लॉथ पर इसी वजह से जो भी ये बनाया होगा वो कितना एक्सपर्ट होगा इसका मतलब ये हुआ. ओके नॉट एवरीबॉडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट. वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट. पर हैव सम वुमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट. मीन्स यहाँ पे ये नहीं है कि कौन स्पेशलिस्ट था कि मीन्स कि सिर्फ मैन ही जो था वही स्पेशलिस्ट था क्या वुमेन. मीन्स मे भी हो सकता है कि मैन और वुमेन दोनों स्पेशलिस्ट हों दोनों ये वर्क करते होंगे. नाउ इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल. सो रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस दैट आर इधर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर और मेटल्स आर प्रोड्यूस बाई द फार्मर और हर्डर्स. मीन्स कि रॉ मटेरियल जो होते हैं कि वो या तो नेचुरली फाउंड हो जाते होंगे जैसे कि वुड हो गए रॉ हो गए एंड मेटल्स हो गए या तो कोई फार्मर्स जो होते हैं हर्डर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते होंगे. दिस आर देन
प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड, और ये रॉ मटेरियल्स को मीन्स कि यूज़ क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल्स तो फिनिश गुड में बनाने के लिए यूज किया। फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर इज़ अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लॉथ, जैसे कि मीन्स कि रॉ मटेरियल होगी जो फार्मर्स कल्टिवेट करते हैं और उनको क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल होते हैं तो उसको एक क्लॉथ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट द हरप्पन यूज वर अवेलेबल लोकली मेनी आइटम्स सच एज कॉपर टिन गोल्ड सिल्वर एंड प्रेसेस स्टोन्स हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस। मीन्स कुछ होते होंगे कि जो कुछ रॉ मटेरियल्स लोकली प्रोड्यूस हो जाते होंगे, कुछ और जो होते होंगे जो अलग अलग शहरों से अलग अलग जगहों से लेके आए मीन्स मंगाए जाते होंगे, एंड जो प्रेसेस होते होंगे लाइक मीन्स गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए और कॉपर टिन। द हरप्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमन वेस्ट एशिया। मीन्स हरप्पन जो होते थे वो कॉपर कहाँ से पाते थे, जो प्रेजेंट डे में राजस्थान है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो राजस्थान मीन्स है, जो राजस्थान का जो एरिया है वहाँ से कॉपर मीन्स फाइंड हुआ, और यहाँ तक कि कुछ कुछ ओमन से भी मंगाया गया। देन टिन विच वॉज मिक्स विद द कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। जो जो टीन है जो मिक्स होता है कॉपर एंड ब्रॉन्ज से जो मिक्स बनता है वो मंगाया गया जो प्रेजेंट डे में अफगानिस्तान है ईरान, वहाँ से मंगाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीन कहाँ से आया था, फिर कॉपर कहाँ से मिला। गोल्ड कुछ हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड द प्रेसेस स्टोन फ्रॉम द प्रेजेंट डे गुजरात ईरान एंड अफगानिस्तान। और जो गोल्ड है वो कर्नाटका में मिला, फिर जो प्रेसेस स्टोन कुछ हो गए वो गुजरात से मिले, ईरान से मिले एंड अफगानिस्तान से। ओके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एक टॉय है जो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसके जो पहिए बने व्हील्स बने हैं, जिससे वजह से कुछ टाइम पे व्हील का इन्वेंशन हो गया था। ये कुछ कार टाइप का लग रहा है कि मीन्स कार टाइप बुलेट कार टाइप का थी, यानी कि उस टाइम पे इसे क्लियर होता है कि एक टॉय है, लेकिन इससे क्लियर होता है कि टॉय जब उस टाइम पर ऐसे बनाए थे यानी कि उस टाइम पर बुलेट कार या वगैरह मीन्स ये ट्रेवलिंग करने के लिए कुछ लोग अपने के लिए ट्रेवलिंग करने के लिए कुछ व्हीकल्स बना लिए होंगे, जिसके वजह से एक जगह से वो दूसरे जगह पर ट्रेवल करते होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके ये सेल्स बने हुए हैं कि ये सेल्स हैं, जैसे कि उस टाइम पे सेल्स थप्पे वगैरह लगाने के लिए बने होते थे। गुड फॉर पीपल इन द सिटीज, व्हाइल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज अदर लिविंग इन द कंट्री साइड क्रॉप्स एंड रेयर एनिमल्स। कुछ जो होते थे, कुछ पीपल होते थे वो या तो सिटी में रहते थे, कुछ सिटी से बाहर होते थे जो कि क्रॉप ग्रो करते थे और ये एनिमल्स को पालते थे। दिस फार्मर एंड हर्डर सप्लाई फूड टू क्रॉप पर्सन स्क्राइब्स एंड द रूलर इन द सिटी। ये जो फार्मर्स होते थे, जो हर्डर्स होते थे, वो फूड वगैरह जो था वो सप्लाई करते थे सिटी में जो रूलर्स होते थे या जो अलग लोग मीन सिटी के लोगों को खाने वगैरह का चीज़ जो होता था वो विलेज से ही आता था। द वी नो फ्रॉम रिमेन ऑफ प्लांट दैट द हरप्पन ग्रू वीट बार्ले पर्ल्स पीज राइस सीशम। मीन्स हरप्पन उस टाइम पे क्या मीन्स देखिए कि उस टाइम पे कितने ज़्यादा एडवांस होते कि सारे ये जो क्रॉप्स है वो ग्रो करना जानते थे, लाइक मीन्स वीट हो गया, बार्ले हो गया, पर्ल्स हो गया, पीज राइस सीशम लिनसीड एंड मस्टर्ड, ये सारे उस टाइम पे ग्रो किए जाते थे। एंड ये देखिए कि यहाँ पे जो है टोपलो है, जो एक टोपलो है इससे मीन्स कि ये भी एक उस टाइम पे ये मिट्टी का बना हुआ है, एक टॉय है, ये जो टॉय प्लो है जो इसमें इससे भी ये पता चलता है कि उस टाइम पे लोग खेती करने के लिए डिग करने के लिए खेती वगैरह के लिए यूज़ करते होंगे, तो इस वजह से ये हम लोग मीन्स इसे गेस कर सकते हैं कि हरप्पा में क्या होता होगा। और न्यू टूल्स प्लो वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड द प्लांटिंग सीड्स। ये जो प्लो है उसको यूज़ किया जाता होगा और ये अर्थ में ये सॉइल को खोदने के लिए और सीड्स को लगाने के लिए। वाइल रियल प्लोक्स विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव टॉय मॉडल्स हैव बिन फाउंड। मीन्स कि भाई हम लोग टॉयज जो मिट्टी का बना हुआ टॉय है तो जो हम लोग फाइंड किए तो इससे पता चला कि मीन्स कि उस टाइम पे मे बी हो सकता है लकड़ी वगैरह का ये प्लो बना होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया होगा, तो इस वजह से हम लोग गेस कर सकते हैं कि उस टाइम पे लोग इसका यूज़ करते होंगे। एट दिस रीज़न
does not receive have a ransom from फॉर्म द इरीगेशन में हैव बिन यूज मीन्स हो सकता है कुछ रीजन जो होंगे वहाँ पर जो हैवी रेनफॉल नहीं होता होगा तो यहाँ पर इरीगेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता होगा. दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड द सप्लाइड ऑफ द फील्ड वेन द प्लांट आर ग्रोइंग मीन्स की होता होगा कि इसके वजह से कुछ जगह पर खोद के गड्ढा वगैरह बना लिया जाता होगा उसकी वजह से वहाँ पर वाटर को ये स्टोर किया जाता होगा और वहाँ जहाँ पर प्लांट के लिए इरीगेट करना होगा वहाँ पर उसको सप्लाई किया जाता होगा. द हरप्पन्स रियर्ड कैटल शीप गोट एंड बफेलो जो हरप्पन्स जो थे वो पालते थे कैटल पालते थे शीप गोट एंड बफेलो. वाटर एंड पॉस्चर वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट हावर इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हजार ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन द ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर मीन्स कि वहाँ पे जो था ये पॉस्चर मीन्स कि जो पालने के लिए खिलाने के लिए चारे वगैरह होते थे वाटर ये सारे सेटलमेंट अवेलेबल वहाँ पे थे. और कभी कभी क्या होता था समर मंथ में ये एनिमल्स जो होते थे वो ग्रास वगैरह के खोज में पानी वानी के खोज में वो लोग बहुत दूर तक चले जाते थे. दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रूट्स लाइक बेर कट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप मीन्स क्या होता था ये इसके वजह से अपने एनिमल्स को चराने वगैरह के लिए जाते थे दूर दूर जगहों पे उसके बाद से ये लोग उसके साथ साथ कुछ फ्रूट वगैरह भी कलेक्ट करते थे फिश को पकड़ते थे वाइल्ड एनिमल को ये उसका भी हंटिंग करते थे उस टाइम पर ये लोग करते थे. ओके ओके नाउ अ क्लोजर लुक हरप्पन टाउन्स इन गुजरात जो गुजरात का साइड जो है हरप्पा का वहाँ का हम लोग देखते हैं. द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड इन द खदीर बेथ ऑल्सो स्पेल्ड एज अ बेथ इन द रन ऑफ कॉन्च जो धोलावीरा जो है राजस्थान का जो एरिया है राजस्थान का जो एरिया वहाँ पे जो रन कच्छ का है वहाँ पे ये है वेयर देयर वर फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल्स वहाँ पे जाके फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल भी अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पन सिटीज़ विच आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स जैसे कि मीन्स कि वहाँ पे हरप्पन सिटी में अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना टू पार्ट में डिवाइड था एक जो पार्ट था वो जो वेस्ट का जो पार्ट था वो हायर था लेकिन ये क्या बोलता हायर था लेकिन स्मॉलर था और ईस्ट का जो पार्ट था वो बहुत लार्जर था लेकिन ये था स्मॉलर था तो वेस्ट का जो पार्ट था सेटिडल था. तो यहाँ पे क्या है तो हम लोगों ने टू पार्ट में देखा था लेकिन धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट एंड इस पार्ट आर सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स विद द एंट्रेंस थ्रू गेटवे और यहाँ भी जो था थ्री पार्ट में ये बना हुआ था थ्री पार्ट में उसके साथ मैसी मीन्स किनारे किनारे पे जो था बहुत बड़ी बड़ी इमारतें मीन्स यहाँ पे बड़ी बड़ी वॉल्स लगी होती थी और एंट्रेंस के लिए गेटवे वगैरह बना होता था. देयर वॉज ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पीपल सेरेमनीज कुछ भी कुछ बीच में क्या होता था कि मीन्स बहुत जगह एरिया होता था जहाँ सेटलमेंट में किया गया रहता था वहाँ पे होता था कि सारे लोग जो होते थे इकट्ठा होते थे कोई सेरेमनी वगैरह होता था. तो अदर फील्ड्स इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट द वाइट स्टोन एंड द परहैप्स इनवैलिड इन वुड और कुछ होता होगा कि मीन्स कुछ टाइम पे ये कुछ लिखा वगैरह जैसे कि होता है ना सील्स वगैरह सील बनने होते हैं तो उस टाइम पे होता है कि लकड़ी के मे बी लकड़ी के चीज़ों पे ये लिखा होता होगा कुछ राइटिंग का वर्क होता होगा. दिस इज़ द यूनिक फाइंड एज जनरली हरप्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड इन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज शिल्स मीन्स कि ये ना कि हम लोग पढ़े हैं ना कि और सारे मोहनजोदार वगैरह उधर था और साइड में धोलावीरा में कितना मीन्स अलग क्या है ये बहुत मीन्स इंपॉर्टेंट है कि धोलावीरा में क्या था और जगह पर क्या था सिल्स जो स्टोन्स वगैरह के बने होते थे यहाँ पर जो सिल्स था वो वुड का बना होता है वुड पर ही राइटिंग वगैरह किया गया होता था. क्लियर ओके द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात फिर हम लोग गुजरात में जो लोथल का ये देख रहे हैं जो साबरमती के पास है क्लोज ऑफ द गल्फ ऑफ द खंबात जो गल्फ ऑफ द खंबात है जो ऐसे होता है ना ऐसे करके वहाँ पे इट वॉज सिचुएटेड नियर एरिया वेयर रॉ मटेरियल सच एज शेमी प्रीसियस स्टोन्स वर इजली अवेलेबल यहाँ पे जो इस एरिया में क्या होता है कि बहुत सारे प्रीसियस स्टोन्स अवेलेबल हो जाते हैं. दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन सेल्स एंड मेटल ये जो है एक सेंटर होता है कि यहाँ पे स्टोन्स मेटल और सेल्स बनाए जाते थे. देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी यहाँ पे मीन्स लोथल में क्या थे कि
यहाँ पे स्टोर हाउसेस भी बने हुए होते थे। मेनी शिल्स एंड शिलिंग प्रेशर ऑफ सिल्स ऑन द क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। बहुत सारे सिल्स जो होते थे, सीलिंग जो होता था सामान वगैरह का, वो इसी मीन्स स्टोर हाउस में उसको फाइंड किया गया, पाया गया। ये देखें डॉकयार्ड जो है इन लोथल में, यहाँ पे डॉकयार्ड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डॉकयार्ड बने होते थे। एक ये एरिया होता था यहाँ पे, जहाँ पे मीन्स की शिप वगैरह को इकट्ठा किया जाता था, कहीं से सामान वगैरह जो आता था तो यहाँ पे इसकी लोडिंग और अपलोडिंग की जाती थी। अ बिल्डिंग दैट वॉज फाउंड हियर वॉज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स पीसेस ऑफ स्टोन्स, हाफ मेड बीड्स टूल्स और बेड मेकिंग एंड द फिनिश बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हियर। मीन्स बहुत सारी बिल्डिंग्स में, बिल्डिंग्स जो थी मीन्स वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई मिली थी। यहाँ तक कि वर्कशॉप भी था जहाँ पे बीड्स बने होते थे, प्रीसियस स्टोन्स बनाए जाते थे, टूल्स वगैरह बनते थे। यहाँ पे देखते हैं सिल्स एंड सीलिंग, ये क्या है सिल्स एंड सीलिंग का क्या मतलब है, ये सिल्स क्या है। ओके सो सिल्स मे हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइड अ लेयर ऑफ द वेट क्ले ऑफ द अप्लाइड ऑन द नॉट एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट। दिस इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज द सीलिंग। मीन्स कि क्या होता था कि जैसे कि अभी भी हम लोग थप्पे वगैरह लगते हैं ना, कि कोई भी चीज़ पैक हो जाता है तो वहाँ पे सील लग जाता है, स्टैम्प लग जाता है कि ये पैक हो गया। तो उस टाइम पे भी क्या होता था कि जो भी सामान वगैरह बांधा जाता था, जहाँ पे उसका गांठ होता था वहाँ पे कुछ गीले मिट्टी रख लगा दिए जाते और उस पर इस सील को स्टैम्प कर दिया जाता था। तो जिसके वजह से मीन्स कि उसको सीलिंग कहते थे। तो ये होता था कि अगर मीन्स कि सीलिंग जैसे वो लगा हुआ होता, थोड़ा भी इधर उधर नहीं हुआ था, यानी कि इससे पता ही चलता था कि हम लोग का जो सामान है वो सेफली पहुंचा है। कि गीली मिट्टी पे लगेगा तो कोई उसको हटाएगा तो थोड़ा सा उसमें डैमेज हो जाएगा, इस वजह से पता चल जाता था कि कोई उसको टच किया या नहीं, कि वो सेफली पहुँच गया। तो उस टाइम पर भी सोचिंग मीन्स कितनी एडवांस लोग सोचते थे कि सीलिंग वगैरह भी करते थे। ओके द मिस्ट्री ऑफ द एंड मीन्स कि एंड कैसे हुआ, हरप्पन का, हरप्पा सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। स्टार्ट तो हुआ था कि मीन्स कि स्टार्ट हुआ था 4700 ईयर अगो। सो लेकिन एंड कैसे, अराउंड 3900 ईयर अगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ द मेजर चेंजेस। हम लोग ये देखते हैं कि मीन्स अबाउट 39,000 साल पहले देखते हैं कि कुछ मेजर चेंजेज आए। पीपल स्टॉप लिविंग इन द मेनी ऑफ द सिटीज, लोग सिटीज़ में रहना बंद कर दिए। राइटिंग शिल्स एंड वेट वर नो लॉन्गर यूज, जो राइटिंग होता था, जो सिल्स बने होते थे वेटेज वगैरह का जो था, उसका यूज़ नहीं हो, उसका यूज़ होना बंद हो गया। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर, जो रॉ मटेरियल्स बहुत बहुत दूर जगहों से मंगाए जाते थे वो भी बंद कर दिए गए। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पेल्ड अप द ऑन द स्ट्रीट एंड द गार्बेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर ब्यूल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट्स। मीन्स मोहनजोदड़ो में देखा गया कि बहुत सारे गार्बेज, जो कचड़े वगैरह थे, रोड वगैरह पे फेंक दिए जाते थे, जो नालियाँ वगैरह थी टूट गई थी, और जो घर वगैरह जो बने थे उतने मीन्स अच्छे नहीं, इरेगुलर टाइप के बने थे, मीन्स रोड पे भी बन गए थे। तो मीन्स कि इस वजह से हो सकता है कि एंड हो गया होगा। व्हाई डिड ऑल दिस हैपन, वी आर नॉट श्योर। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्रिप्ड अप, मीन्स कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि हो सकता है कि रिवर भर गया होगा, या अदर सजेस्ट दैट देयर वर डिफॉरेस्टेशन, कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा। दिस कुछ हैव हैपन बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रिक्स में भी हो सकता है कि मीन्स कि डिफॉरेस्टेशन इस वजह से हुआ होगा, क्योंकि ब्रिक्स वगैरह, ईंटें वगैरह पकाने के लिए फ्यूल्स की ज़रूरत होती है, तो वो उसमें काट के वहाँ से लकड़ियाँ वगैरह मंगाए गए होंगे फ्यूल्स के लिए, इस वजह से डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा। मे बी फॉर द शेल्टिंग कॉपर ओर्स, या बिसाइड गार्जिंग बाय द लार्ज हार्ड ऑफ कैटल शीप एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड बाई ग्रीन ओवर। मे बी ये जो पालते थे, जो भी हर्ड्स होते थे, कैटल शीप वगैरह को पालते थे, वो भी ग्रीन को घास वगैरह ख़त्म हो गया होगा, ती भी एंड हो गया होगा। इन द सम एरिया देयर वर फ्लोट, कुछ हो सकता है कुछ एरिया में फ्लोड हो गया होगा,
बट नॉन ऑफ दिस रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटी. लेकिन ये भी है कि सारे मीन्स ये रीजन कुछ सिटी के लिए मीन्स फ्लड वगैरह जैसे कि हो गया वो हर जगह पे तो एक जैसा फ्लड आएगा नहीं. हो सकता है कुछ जगह पे फ्लड आया हो तो ये रीजन नहीं हो सकता कि मीन्स सारी सिटीज़ को एंड होने के रीजन नहीं हो सकता. तो फिर रीजन क्या है सो देखते हैं. ओके इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस कंट्रोल. हो सकता है रूलर्स जो थे वो अपना कंट्रोल ख़त्म कर दिए होंगे. इन इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर. साइट्स इज पाइंट सिंध साइट इन सिंध एंड द वेस्ट पंजाब प्रेजेंट द पाकिस्तान वर एबेंडोन वाइल्ड मैनी पीपल मूव इन टू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट ऑफ द ईस्ट एंड साउथ. कुछ होंगे कि कुछ जो सिंध वगैरह के जगह पंजाब वगैरह के जगह के लोग जो होंगे और वहाँ से हट के चले गए होंगे ईस्ट में और साउथ के. न्यू सिटीज इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स अगो. कुछ न्यू जो सिटी स्टार्ट हो गई शायद 1400 जो कि हम लोग चैप्टर्स 5 और 8 में पढ़ेंगे. यहाँ पे हम लोग देखते हैं एल्सवेयर में क्या है. फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस. अपने एटलस में इजिप्ट को फाइंड के. मोस्ट ऑफ इजिप्ट इन ड्राई. कुछ जो मीन्स मोस्टली जो इजिप्ट का जो एरिया है वो ड्राई होता है एक्सेप्ट ऑफ द लैंड अलॉन्ग द नाइल रिवर. जो कि मीन्स कुछ जो है नाइल रिवर के पास का जो एरिया है उसको छोड़ के. अराउंड 5000 ईयर अगो किंग्स रूल ओवर इजिप्ट. जो 500 ईयर अगो जो था किंग्स जो रूल करते थे इजिप्ट में. दिस किंग्स सेंट आर्मीज and distance land to get gold, silver, ivory, timber and the precious stones. They also built huge tombs known as pyramid. Means ki jo wahan ke jo होते थे रूलर होते थे वो अपने आर्मी को भेजते होंगे बहुत सारी जगहों पे कि सिल्वर लाए मीन्स प्रेशियस स्टोन्स वगैरह ले आए. और यहाँ तक कि वो कुछ ब्यूल्ट टॉम्स बनवाते थे बड़े बड़े टॉम्स बनवाते थे जिनको मीन्स कि कहा जाता था जैसे बड़े बड़े इसको पिरामिड के जैसे शेप में बनवाते थे. वेन दे डाइड द बॉडीज एंड वो ऑफ द किंग्स वर प्रिजर्व एंड द बरीड इन दिस पिरामिड्स. मीन्स कि ये होता था कि जब वो डाई कर जाते थे मीन्स किंग जो डाई कर जाते थे इस पिरामिड में उनकी बॉडीज़ को इसमें बरीड किया जाता था. उसके साथ साथ क्या किया जाता था जिसको मीन्स कि कहा जाता है कि दिस केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज इनकी बॉडीज को ममीज बोला जाता था. लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वो ऑल्सो और इनके साथ साथ मीन्स जो किंग होते थे उनको जिसको बरीड किया जाता था उसमें दफनाया जाता था. उनके साथ साथ ड्रिंक खाने के लिए ड्रिंक करने के लिए क्लॉथ ऑर्नामेंट यूटेंसिल्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वेपन्स एनिमल्स उनके साथ साथ उसमें बरीड कर दिया है. क्योंकि ये माना जाता था उस टाइम पे कि इस लाइफ के बाद से दूसरी जो लाइफ भी है उसमें भी इन लोगों को हेल्पफुल रहेगा और वहाँ पे भी रूल करेंगे. मीन्स ऐसा कहा जाता था ये हिस्ट्री में मीन्स क्या. और ये ऐसा ये बरियल जो है पूरी हिस्ट्री में कहीं पर नहीं मिलता इजिप्ट के अलावा. ओके तो मैंने ये वीडियो ये चैप्टर कम्प्लीट कर दिया. ये जो एक्सरसाइज है वो आप लोग करके कमेंट बॉक्स में सेंड करें. आई होप मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग समझे होंगे. तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मैं और अच्छे से वीडियो शेयर कर सकूँ एवरीवन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टेक केयर एवरीवन.